अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ स्नेह एजुकेशन का सेकंड के रिप्रेजेंटेटिव। आज हमारे साथ है एक नानचंग के स्टूडेंट जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है, और ये जो है इनका नाम शफाकत है। आए इनसे पूछते हैं स्नेह एजुकेशन कंसलटेंट तक ये कैसे पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम शफाकत। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं, आप सुनाए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शफाकत, आप बहावल नगर से आपका ताल्लुक है? जी मैम, जो असल जो बेसिकली वो है फोटाबाद से हूँ, और जिसका जिला बहावल नगर है। और मैंने जो मैट्रिक वगैरह वो उधर फोटाबाद से की थी, और एफएससी पंजाब वाले बहावलपुर से की है। ठीक है, तो शफाकत स्नेहन एजुकेशन कंसलटेंट के प्लेटफॉर्म का कैसे पता चला? मैम जैसे ऐड वगैरह चलते हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ ऐड देखा और अप्लाई किया, और मुल्तान के इधर ऑफिस को विजिट किया, जिस वजह से स्नेहन कंसलटेंट से कोऑपरेटिव और टीचिंग स्टाफ और जो एडमिन स्टाफ है उनसे मिला, जिसकी वजह से मेरा ख्वाब था कि डॉक्टर बनूं, और इंशाल्लाह जरूर बनूंगा और चाइना के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो आपका एडमिशन हो गया, आपने चाइना के लिए अप्लाई कर लिया, ऑफिस विजिट किया। ठीक है, ऑफिस विजिट करने के बाद आपको कैसा बिहेव लगा यहाँ का? जो इस जैसे बहुत मैं अफवाह सुन रहा था कि बच्चों को कहा कुछ जाता है और जो फॉलो वगैरह वो कुछ और किया जाता है, लेकिन मैं उनको ये पैगाम दूंगा जो स्नेहन वाले जो कहते हैं वही करते हैं, इस वजह से मैं बहुत 100% सेटिस्फाई हूँ। शफाकत का कहना है कि लोग जो हैं वो कहते कुछ है करते कुछ और हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। स्नेहन एजुकेशन वाले जो कहते हैं वही करते हैं। तो शफाकत मैनेजमेंट से सेटिस्फाइड है, टीचिंग स्टाफ से आप सेटिस्फाइड है, लैंग्वेज ऑब्वियसली अगर टीचिंग स्टाफ से है तो लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं होगा आपको। लैंग्वेज कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। जो टीचिंग स्टाफ है, जो दूसरे मेडिकल के या चाइनीज वगैरह सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर एक बार पूछे वो कहते हैं बार बार पूछे, और इसी वजह से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। टीचर से भी आप बहुत सेटिस्फाइड है? वो बच्चे जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं, जिनका ख्वाब है, उनके वालदैन का ख्वाब है कि वो डॉक्टर बने, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप देख के मैसेज बताएं। मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अगर वो पाकिस्तान में हो जाए तो ठीक, नहीं तो स्नेहन एजुकेशन मुल्तान ऑफिस है विजिट करें, और यहाँ से जो एडमिन स्टाफ है वो आपको गाइडलाइन देंगे, और आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इनका कहना है कि अगर आपका पाकिस्तान में एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप स्नेहन एजुकेशन कंसलटेंट के प्लेटफॉर्म को विजिट करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच शफाकत, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।